संजीव जी आप बड़े अनुभवी हैं मध्य प्रदेश में, सीलम जी जैसे होशियार नेता, काबिल नेता, मैं समझ में आया कि पूरी जिंदगी में पता है इन लोग, आपको संजीव जी पता नहीं होगा इनको 54 साल की सजा है, मतलब है ना, मतलब किसान आंदोलन में इतनी सजा किसी आदमी को, हमें तो 1-8 साल की सजा का डर का नाम ही आया तो कब कभी चढ़ जाती है, लेकिन 54 साल की सजा के बावजूद भी आप दिमाग देखिए कितना तेज है चाणक जी में और मोदी जी में, आप बिल्कुल बड़े प्लानिंग के साथ लड़ाना चाह रहे। लेकिन संजीव जी जो सुनीलम जी ने बातें बताई हैं, आप तो मध्य प्रदेश की राजनीति को रग-रग जानते हैं, क्या इन बातों में सच है, क्या वाकई में अमित शाह जी ने कोई रणनीति बिछाई जो फेल हो गई जो सुनीलम जी कह रहे हैं, जरा बताइए आप। देखिए उन्होंने बहुत सोच समझ के ही बोला है, वो जो सूचियों को आप उठा के देखिए जो 4th और 5th लिस्ट आई है मध्य प्रदेश की, ये बार बार ये चीजें दी कि कुछ चौंकाने वाले फैसले होंगे, कुछ इस तरीके की चीजें होंगी, लेकिन जो हमें तो लग रहा है खोदा पहाड़ निकली चुहिया टाइप है कि वो चीजें हुई हैं रिपीट बहुत सारे ऐसे। आप एक तरफ, हम बहुत छोटे छोटे उदाहरण एक दो में देखे, उसमें सारी चीजें समाहित हो जाएंगी कि जब ग्वालियर में मेयर का चुनाव हुआ, कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ और मेयर का टिकट की बात आई तो माया सिंह का नाम ये कहकर काट दिए गए कि वो उम्रदराज है, 2 बरस पहले जब हुआ था वो 71 साल की थी, वो उम्रदराज थी मेयर के पद के लिए और आज उनको टिकट दे दी गया है विधायक पद के लिए। ऐसे लंबी फहरिस्त है कि वो नाम, वो चेहरे जो कहीं से कहीं तक टिकने के स्थिति में नहीं थे उन पर दांव खेल देना। आप जो चौथी सूची थी, चौथी में भी यही है, सुनीलम जी जो कह रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे उनको सब कैलकुलेशंस या जो समीकरण है वो जानते हुए ये बातें कर रहे हैं कि देखिए टिकट्स जो बटे हैं, टिकट्स में बहुत बड़ी भूमिका उन्हीं की है जिनका नाम वो बार बार ले रहे हैं कि वो चाणक्य के जो फैसले हैं, वो चाणक्य उसमें बहुत प्रमुख भागीदारी उनकी रही है। अब ये 4th लिस्ट 5th लिस्ट और फिर हमारे मध्य प्रदेश में भी अभी जो हमारे भाई नवीन जी बता रहे थे कि जैसे राजस्थान में हालात है वैसे ही कुछ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो दांव खेला है, 7 सांसद उतारे जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी जो 8वें कद्दावर लीडर हैं, सिंधिया जी जो बैकफुट पे लौट गए थे, हमने वो पूरे का पूरा वृतांत दिखाया भी था अपने 4 PM के दर्शकों को, उन्होंने नहीं हिम्मत करी। और वो देखिए कल दिग्विजय सिंह ने वो उसको राज को खोला कि क्यों हमने वो टिकट शिवपुरी का रोका जिस बीजेपी के विधायक ने सिंधिया की वजह से पहले कांग्रेस छोड़ी थी, बीजेपी में गए थे और बीजेपी में जब सिंधिया पहुंच गए तो कांग्रेस में इसीलिए लौटे, छटपटाहट उनकी थी कि वो वहां आ गए, उनको टिकट का हमने भरोसा दिया था, लेकिन हमें पता चल रहा था कि शायद ज्योतिराय सिंधिया को शिवपुरी से उतारा जाएगा, लिहाजा हमने उनके उनसे लड़ने के लिए हमारे केपी सिंह जो 6 बार के विधायक पिछौर से थे, बिना किसी कोई उसके कोई उन्होंने चिंता नहीं की कि मेरी पकी पकाई सीट है जो पिछौर, उसको छोड़ के शिवपुरी आ गए थे। तो कई चीजें ऐसी हैं जो दिखला रही हैं कि दहशत डर किस कदर है और ये इसके में जो जो बाकी कारक हैं जिसके सुनील जी ने बहुत सारा तफसील से बता दिया, उसमें मैं नहीं उसमें बहुत जाऊंगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी या जो इन बड़े जो आप जिनका हमारा आज का डिबेट फोकस्ड है उनका भय इसीलिए है, देखिए आप अभी हम बात कर रहे हैं योगी की, तो योगी भी अपनी जगह दहशत फैलाते हैं, कुछ चाणक्य की बात की, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जो 25 सितंबर के बाद दांव खेला था वही दांव तो सब कुछ रंग ला रहा है ना कि जो कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में। आज चिट्ठी लिखना पड़ी उनको 2 दिन पहले, प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश में और उन्होंने तारीफों के पुल बांधे जो पहले कुछ नहीं कर रहे थे। तो बैकफुट पर जाना दिखलाता है कि राजा दहशत में है, डरा हुआ है और जितने पत्ते चल रहे हैं वो सब उल्टे पड़ते दिखते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा उनके अंदर जो पार्टी में जो झगड़े थे टिकटों के बाद सतह पर है, कांग्रेस में जरूर कुछ दिखता है, कांग्रेस में ये आरोप कांग्रेस ने लगाया है उसकी हम तफ्तीश कर ही रहे हैं, कई जगहों पर नजर आता है कि कहीं कोई प्रायोजित भी चीजें हो रही हैं, लेकिन यहाँ जो रोकने के लिए दांव हो रहा है जो बुआ जी है उत्तर प्रदेश वाली अखिलेश जी की बुआ जी यहाँ बड़ा रोल प्ले कर रही है, 111 टिकट अभी तक वो बांट चुकी है मध्य प्रदेश में दे चुकी है, उनका आउटलेट खुला हुआ, उनके आउटलेट में वो सारे लोग पहुंच रहे हैं जिनके कांग्रेस से ज्यादातर कांग्रेस ही है, कुछ बीजेपी की भी पहुंच रही है, बीजेपी को उस तरीके से तवज्जो कम मिली है और मिली भी है तो उसमें कैलकुलेशन ये देखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति किसको हरा सकता है और यदि वो खड़ा हो गया तो कितना बीजेपी को फायदा होने वाला है, तो पूरी रसद और सब कुछ पीछे से जो पर्दे के पीछे से चल रहा है वो सब चल रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको देखते हुए सुनीलम जी सारा का सारा उन्होंने जो दिखलाया है कि कहीं चाणक्य उसमें शामिल है और कहीं मंशा अब ये हो गई है कि अब 24 जो है 24 का जो रथ है रुकना चाहिए कहीं, बहुत सारे के सारे लोग जो जिस तरीके से राज्यों में लोग परेशान है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो खुल खुल कर लोग बोल रहे हैं, अब वो कोई किसी में मतलब कोई गुरेज परहेज नहीं कर रहे हैं, वो
वहां डिक्टेटर भी बोल रहे हैं, ऐसे कई लोगों ने निकल निकल के बोला है शिवराज के बाद। कुछ लोगों ने पार्टियां छोड़ दी हैं, पार्टी छोड़ी है उनको, अब नहीं चिंता है कि हो गया अब बहुत। और अभी आने वाले दिनों में और कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। अभी ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी आप सुनील जी ने बताया कि मध्य प्रदेश बीजेपी के दो बार के अध्यक्ष के बेटे द्वारा जिस तरीके से टिकट चुनाव लड़ने की घोषणा की, बहुत सारे नेता है, तो कुल मिलाकर बहुत भारी नुकसान में बीजेपी दिखती है। कांग्रेस को बस ये करना था कि कांग्रेस अपने जो उनके, जैसे कल से दिग्विजय सिंह ने बागडोर संभाली है, वो कितना इसको डैमेज उनके यहाँ जो हो रहा है कितना रोक पाते हैं, थोड़ा सा जो ये हवा हुई है, हवा दी गई, और जो उसमें गलती में मानता हूँ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जो वो कपड़े फाड़ने वाला एक बयान था, उसने थोड़ा सा डैमेज इनके जो पूरा प्रयास था उसको कहीं कठिनाई पहुंचाई है। लेकिन ऐसा लगता है अगर वो डैमेज उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो मुश्किल में बीजेपी ही ज्यादा रहने वाली है। संजय जी ये बताइए मुझे, संजीव जी, दिग्विजय सिंह कोप भवन में चले गए थे 2-3 दिन, वो नाराज रहे, वो मामला क्या था जरा उसकी डिटेल बताइए। देखिए वो ये हुआ था कि वो जो पूरा घटनाक्रम हुआ था और वो मंच पे जो कुछ हुआ था, दिग्विजय सिंह को बड़ा नागवार सा गुजरा। वो सारी चीजें जो उनके मुख से जो चीजें निकल निकल कर आई बाद में, उन्होंने कल पूरे सारा साफ गोई से, हमने वो भी पूरा अपने संजीव जी जरा शुरुआत से बताइए दर्शकों को पूरा किस्सा पिछले पहले दिन से, क्योंकि कई दर्शक नए होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि मध्य प्रदेश में हुआ क्या था। देखिए ये था, वही शिवपुरी का टिकट था, शिवपुरी के टिकट को लेकर ये जो मैंने किस्सा सुनाया कि पिछोर के जो विधायक जिनको केपी सिंह को टिकट दिएगा उसके पीछे सिंधिया थे, और कहीं ना कहीं कमलनाथ की भी उसमें जो दिग्विजय सिंह के द्वारा बताया गया मीडिया के लोगों को, उसमें साफ दिखता है कि उनकी कहीं स्वीकारोक्ति थी, लेकिन जब वो विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, और उसमें जो चीजें वो कह गए, वो कपड़े फाड़ने वाली की, जाइए दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह, जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, अभी विधायक है कांग्रेस के, वो जो उन्होंने सरेआम कहा, खुलेआम कहा बिल्कुल सबके बीच में, वो दिग्विजय सिंह को काफी नागावर गुजरा। फिर अगले दिन जब आप उस दिन भोपाल में ही थे, आपने मध्य प्रदेश को नापा है, आपने जगह जगह सब देखा, हम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, वो जो मंच पर पूरे का पूरा एपिसोड हुआ था, और दिग्विजय सिंह को कहा था कि पावर अटॉर्नी तो मैंने दिग्विजय सिंह को दे रखी है कि वो जो गालियां है वो खाएं, वो था बड़ा बढ़िया स्टाइल की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पर्चे पे किसके साइन होते हैं, कपड़े उसके फंडने चाहिए, मेरे फंडने, ए और बी फॉर्म की, उन्होंने ए और बी फॉर्म की बात की थी कि कपड़े, तो फिर मतलब सारी चीजें सब कुछ थी कि कहीं ना कहीं ये पूरा कुछ उनके नॉलेज में था। और फिर बाद में हमने जो देखा, जो दिग्विजय सिंह जी का जो शैली है वो कार जबरदस्त ढंग से करते हैं, कोई तीज त्यौहार वो अपनी पूजा अर्चना, ये अभी जो वो 9 दिन का व्रत भी रखते हैं अष्टमी पे, वो हर बार डोंगरगढ़ भी जाते हैं माँ देवी के दर्शन करने, इस बार वो नहीं जा पाए जो हमें सूचना थी, लेकिन हाँ वो उस एपिसोड के बाद से बिल्कुल ऐसा लगा कि वो कहीं बहुत नहीं है, नैपथ्य में चले गए हैं कुछ, वो आराम से कर रहे हैं, और ये इतने महत्वपूर्ण समय पर कि वो नहीं निकल रहे थे तो वो भी एक छटपटाहट, और अंततः ऐसा लगता है कि उनके मान मनोबल की गई, फिर कल उनको ही फ्रंट पे लाया गया कि जिसने आग लगाई है अब आग बुझाने का काम भी आप करो, हालांकि उनको आग लगाने का दोषी करार दिया गया था। उन्होंने टिकटों का जो वितरण कांग्रेस में हुआ, कांग्रेस में जो पहली बार ये हमने पाया है कि 230 टिकटों में जो कल दिग्विजय सिंह ने स्वीकारोक्ति की है कि हम केवल 10% टिकट ऐसे रहे हैं कि जिसमें हमने कहीं कोई थोड़ा सा, जो 4 बार के सर्वे, उन्होंने कल साफ कहा कि कमलनाथ ने खुद जो 4 बार सर्वे कराए, तो आखिरी सर्वे तो September 23 में हुआ है, उस सर्वे के आधार पर 90% टिकट बांटे हैं, बिल्कुल छन्ना लगाकर। फिर उन्होंने साथ में ये भी बताया कि 38 साल की उम्र से वो टिकटों का वितरण करते चले आ रहे हैं, टिकटों के वितरण में इतनी इस तरीके की पारदर्शिता कभी नहीं हुई कि ब्लॉक लेवल तक, जिला लेवल तक हमारी कमेटियां गई, हमने सारा पूछा, अनेक लेवलों पर जितनी सूचियां थी, और मुख्यतः सब कुछ जो हुआ सर्वे के आधार पर हुआ। तो वो जो पिछले 3-4 दिन का उनका हम जो देखते थे कि वो हर दिन हमें अब नजर आते थे कि उनके प्रत्येक मिनट के कार्यक्रम आते हैं, प्रत्येक मिनट के बयान आते हैं, वो कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं, कल उनका सुबह पहली बार ट्वीट आया, उसके बाद कल जब हम 4 PM ने ये खबर दिखाई कि दिग्विजय सिंह को भवन में, फिर उसके अंदर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बड़ा लंबा चौड़ा खुलासा किया। तो हम अब जो स्थिति है, अब वो फिर अपने मोर्चे को संभाले हुए और वो कोशिशों में लगे हैं, लोगों को उन्होंने कल कह दिया है कि भाई देखिए, जो कमलनाथ ने पहले कहा था कि 4,000 हमको टिकट के लिए आवेदन आए थे, उन 4,000 में 230 हमको देनी थी, और अभी भी ये संकेत है संजय जी कि करीब 7-8 टिकट ऐसे हैं जो बदले जा सकते हैं। अभी जो सुनीलम जी जिसपे कर रहे थे कि निशा बांगरे का टिकट संभवतया आज या कल में डिक्लेयर हो सकता है, इसी का इंतजार हो रहा था, साथ साथ जो और टिकट बदलने की संभावना है वो 5 के आसपास 6 के आसपास टिकट बदलने की जो संभावना है, उसमें पिपरिया है, सुमावली है, शुजालपुर है, आमला है, जावरा है और शिवपुरी, ऐसे 6 टिकट ये हैं, और 1-2 टिकट और जब शिवपुरी बदलेगा तो केपी सिंह शिफ्ट होंगे पिछोर में, तैसे 7-8 टिकटों की संभावनाएं बनी हुई है, पूरी की डैमेज में ये लगे। लेकिन हाँ, बीजेपी में उस तरीके से फ्रंट पे अभी नहीं लोग दिखाई दे रहे, यहाँ पर एक
सूचना और मैं देना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि कल यहाँ जो मध्य प्रदेश भोपाल में ये शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में एक मंत्री थे, पूर्व मंत्री, उनको तो कल अटैक आ गया। सुनील एम जी के बड़े परम मित्र हैं, उमेश शंकर गुप्ता जी को अटैक आया, उनका टिकट कटा, और दिग्विजय सिंह सबसे पहले देखने उनको पहुंचे। ये भी एक बड़ा दिलचस्प सुना जा रहा था। और दिग्विजय सिंह की देखिए, वो वास्तव में लीडर है, वो चीजों में अनेक बार वो मित्रता दोस्ती वो भूल जाते हैं। कल वो गए, इसको कई चीजों से जोड़ा गया। प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के, वो आज गए, कल उनको अटैक आया था, कल उनका बाईपास भी हो गया। तो ये फर्क बीजेपी और कांग्रेस में, ये रिपेयर करना, इस तरह का दिग्विजय सिंह बहुत अच्छी तरह जानते हैं।